सीपी अमितेश कुमार ने चौराहों पर वाहन चालकों से रुपए वसूलने वाले तृतीयपंथियों पर नकेल कसी थी। धारा 144 के तहत आदेश लागू कर तृतीयपंथियों पर प्रतिबंधित लगा दिया था। पुलिस के इस निर्णय की नागरिकों ने काफी सराहना भी की थी। इसी के साथ ही चौराहों और रास्तों पर भीख मांगने वालों से भी छुटकारा दिलाने की मांग बढ़ने लगी थी। इसे ध्यान में रखते हुए सीपी अमितेश कुमार ने बुधवार को धारा 144 के तहत नोटिस जारी किया, जिसमें रास्तों पर भीख मांगने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जानकारी के अनुसार नागपुर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार द्वारा बुधवार को धारा 144 के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसमें रास्ते पर भीख मांगने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वैसे भी राज्य में भीख मांगना अपराध है। इसके लिए 1959 में महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट बनाया गया था। इस कानून के तहत भीख मांगने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है। अमूमन हर कोई भीख मांगने वाले को दया की नज़र से देखता है। ज्यादातर लोग भीख मांगने वालों को पैसे भी दे दिया करते हैं, इसलिए आमतौर पर भी पुलिस भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सिटी की सड़कों पर भीख मांगने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अलग अलग चौराहों पर टोलियों ने अपना कब्जा जमा लिया है। सीपी के आदेश के अनुसार अब टोली या अकेले भीख मांगने पर पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 9 मार्च से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। साथ ही गुरुवार से पुलिस की कार्रवाई भी इन भीख मांगने वालों पर शुरू हो जाएगी। देखिए, जिस प्रकार की 144 सीआरपीसी की ऑर्डर हमने ट्रांसजेंडर्स के बारे में कुछ दिन पहले निकाला था, वो बेसिकली ट्रैफिक जंक्शंस पे और रहवासी एरिया में जो न्यूसेंस उनकी हो रही थी उसके बारे में निकाला था और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। ये विषय बेगर्स के बारे में भी ये सामने आया था कि इनकी न्यूसेंस जो है ट्रैफिक जंक्शंस पे हो, डिवाइडर्स, फुटपाथ्स, ट्रैफिक आइलैंड्स, इस प्रकार की बहुत ही एक बड़े पैमाने पे न्यूसेंस की तकरार पुलिस के पास आ रही थी। जनता की तकरार, आम जनता, आम नागरिक की तकरार आ रही थी, इसलिए ये 144 सीआरपीसी की ऑर्डर निकाली गई। इसमें मैं दो चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा। कुछ एक संभ्रम लोगों में है कि ये G20 के लिए किया गया है और G20 तक के लिए किया गया है। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये परमानेंट ये एक्टिविटी चालू रहेगा। ये G20 के लिए किया गया है, ऐसी बात नहीं है। ये ओवरऑल जो ट्रैफिक जंक्शन पे जो न्यूसेंस था और जो पेडेस्ट्रियंस को फुटपाथ पे चलने में न्यूसेंस था और इनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इम्प्लिकेशन क्राइम पे भी था, इसको ध्यान में रख के ये निर्णय ली गई है। दूसरा, मैं ये बताऊँगा कि जो बेगर्स यहाँ पर अलग अलग दूसरे जगह के रहने वाले थे, जो यहाँ आकर के फुटपाथ पे सिर्फ भीख मांगने के लिए रह रहे थे, इनको जब इस प्रकार के निर्णय के बारे में अवगत कराया गया तो इसमें से बहुत सारे लोग वॉलंटियरली अपने अपने मूल गांव को चले गए। NBC न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी की रिपोर्ट।